तो गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर में ये 11th का बड़ा ये न्यू चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें देखो तीन कंपोनेंट हैं जो हम लोगों को स्टडी करने हैं। पहला कंपोनेंट बड़ा होता है कि जो ग्रोथ का हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसका होगा डेवलपमेंट का, और तीसरा बड़ा कंपोनेंट होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कोई भी होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन नीट में एक पूछा ही जाता है। तो ये हर साल बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसके आगे वाले कंपोनेंट से जैसे ग्रोथ हो गया, या हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट हो गया, तो ग्रोथ या डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन जो होंगे वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से होंगे। तो बेटा हम लोग पूरे चैप्टर को वन बाई वन देखते चलते हैं और बहुत आसानी से इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारा ग्रोथ क्या होगा। पहला क्वेश्चन राइज होता है कि ग्रोथ, ग्रोथ लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल करैक्टर है, फंडामेंटल करैक्टर ऑफ लिविंग बींग। तो क्या नॉन लिविंग में, क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होगा? क्या हम लोग ये जानते हैं बेटा कि नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होना है? होगा, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। तो कैसे ग्रोथ हो सकता है? तो आप देखो, ये दोनों में हो सकता है, या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ होगा वो टू टाइप की प्रोसेस है। एक क्या हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और दूसरा हो जाएगा इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड क्या हो जाएगा इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हो जाएगा, इसको देखो, जब आप इसको देखते हैं तो इसका ये होता है एक्सटर्नल, इसको आप बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल ग्रोथ एंड क्या हो जाएगा इंटरनल ग्रोथ। अब एक्सटर्नल ग्रोथ किस में हो सकता है, लिविंग में कि नॉन लिविंग में? तो आप ये बोलेंगे कि ये नॉन लिविंग में होगा। भाई नॉन लिविंग में कैसे हो सकता है? नॉन लिविंग में ग्रोथ होने के चांसेज हैं क्या? हाँ जरूर है। जैसे मान लो कि आप ये हिमालय है, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही डिपोजिशन आउटसाइड से क्या होता जा रहा है, डिपोजिशन होता जा रहा है, जिसके कारण इनकी ग्रोथ होती जा रही है। या किसी भी नॉन लिविंग में क्या हो जाएगा, किसी भी नॉन लिविंग में क्या होना है कि जो अल्टीमेटली हम लोग ये देखते हैं कि वो एक्सटेंसिव ग्रोथ होना है, बाहर से ग्रोथ होना है, इसके अंदर से कोई ग्रोथ नहीं होता है। इनमें क्या होना है एक्सटर्नल, इनमें होना है एक्सटर्नल ग्रोथ, और इंटेंसिव ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ किस में हो जाएगा, लिविंग बींग में होगा। अब ये जो लिविंग बींग में होगा, देखो ध्यान से भैया, यहाँ पर क्या होगा एक्सटर्नल, सॉरी इंट्रेंसिक ग्रोथ को इंटरनल ग्रोथ बोलेंगे, इंटरनल को ही आप क्या बोलेंगे, या किस में पाया जाएगा, लिविंग बींग्स में होगा। और लिविंग बींग्स कितने हो जाएंगे, लिविंग बींग्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर लिविंग बींग होगा, दूसरा या तो ये मल्टी सेलुलर होंगे। अब आप देखना ध्यान से भैया, यहां पर क्या होना है, यूनिसेलुलर होना है, ये मल्टी सेलुलर। तो जब यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, अब अगर वो यूनिसेलुलर है तो क्या होना चाहिए, अब यहां पर दो ढंग से इंक्रीज करेगा, या तो ग्रोथ कैसे होगी, साइज में ग्रोथ हो जाए, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या हो जाएगी साइज में, अगर उसकी साइज बढ़ी तो वो क्या कहलाएगा, अगर साइज बढ़ा तो ये कहलाएगा ग्रोथ। अगर उसका मान लो कि नंबर बढ़ गया, अगर आप इसका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक अमीबा है, अमीबा की पहले क्या हुआ साइज बढ़ी, साइज बढ़ने के बाद, जैसे ये छोटा सा प्यारा सा अमीबा है,
अमीबा का फिर क्या हो जाएगा, अमीबा की साइज बड़ी होगी, फिर यहाँ से क्या हो गया, ये डिवीजन हो गया, जब टू कंपोनेंट में ये डिवाइड हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो वो भी तो क्या हो गया, ग्रोथ ही हुआ ना। तो यहाँ पर जो नंबर बढ़ेगा, जब नंबर बढ़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ कहेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, या इसी को हम लोग बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को ही हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। पॉपुलेशन ग्रोथ को ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर साइज बढ़ता है तो हम लोग उसको किसको मेंशन करते हैं, ग्रोथ को। अगर नंबर बढ़ता है तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो पॉपुलेशन उसकी बढ़ रहा है, या तो उसमें क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिप्रोडक्शन बढ़ रहा है। बट बेटा मल्टी सेलुलर की आप बात करें, बट हम लोग मल्टी सेलुलर की बात करें, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, दो टाइप से हो सकते हैं, या तो वो क्या होगा एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। अब दो टाइप का मतलब कि एनिमल्स, प्लांट्स, बाकी फंजाई भी हो सकता है। तो ये हम लोग उसको फाइव किंगडम सिस्टम में आगे देखेंगे, बट यहाँ पर एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करते हैं। तो जो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, आप देखो ध्यान से, जो एनिमल्स का केस होगा, यहां पर क्या होना है, जो ग्रोथ होना है वो कैसा होना है, डिफिनिट ग्रोथ होना है या डिफिनाइट ग्रोथ होना है, लिमिटेड ग्रोथ होनी है, डिफिनाइट या डिफिनिट ग्रोथ होगा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं लिमिटेड ग्रोथ होगा। अरे भाई, लिमिटेड ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी पर्सन है, हैंड है, तो हैंड की जो साइज होगी, हैंड की साइज होगी उस पर्टिकुलर पर्सन में उतना ही होगा, लेकिन उनमें नंबर ऑफ फिंगर्स कितने होंगे, फाइव ही होंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इनमें डिफिनाइट या लिमिटेड ग्रोथ होगा, ठीक। बट प्लांट के केस में, प्लांट्स में दोनों हो सकते हैं, क्या दोनों हो सकते हैं, इनमें लिमिटेड ग्रोथ भी होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ भी होगा, या डेफिनेट एंड इनडेफिनेट होगा। तो लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, अगर हम लोग लिमिटेड या अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करें, तो आप बताइए लिमिटेड ग्रोथ कहां पर हो सकता है, प्लांट के किस पार्ट में लिमिटेड ग्रोथ होगा, प्लांट के किस पार्ट में लिमिटेड ग्रोथ होगा। तो जो लिमिटेड ग्रोथ होगा प्लांट के किस हिस्से में होगा, बताएं। देखिए, लिमिटेड जो ग्रोथ होता है ये पाया जाएगा भाई, फ्रूट की साइज हो गई, लीव्स साइज हो गई, फ्रूट साइज हो गई, नंबर ऑफ पेटल्स, सेपल्स, भाई पर्टिकुलर किसी भी, जैसे आप मैंगो ट्री ले लीजिए, मैंगो में जो लीव्स की साइज होगी, लीव्स की साइज होगी थोड़े बहुत अंतर होते हैं, बाकी तो मैंगो की लीव की साइज ऐसा थोड़ी ना होता कि वो मैंगो के लीव्स की साइज जो है बनाना के साइज के, लीव के साइज के बराबर हो जाए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। यही और फ्रूट की साइज, जैसे एप्पल है तो एप्पल का लगभग साइज क्या होता है, ऑन एन एवरेज वैसे ही होता है। अब ऐसा तो नहीं कि बड़ा पंपकिन जैसा हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। या नंबर ऑफ पेटल जो फिक्स होते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जैसे फ्लावर हो गया, तो फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनमें क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। बट अनलिमिटेड की बात करें, ब्रांचेज ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, ब्रांचेज ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, तो रूट्स की या स्टेम्स की जो ब्रांचेज होती हैं, अब किस प्लांट में कितनी ब्रांचेज होंगी ये फिक्स तो है नहीं, कि है नहीं है, तो वहां पर कौन सा ग्रोथ होगा,
अनलिमिटेड ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ हम लोगों ने देखा कि जो इंट्रेंसिक ग्रोथ था वो लिविंग बींग में था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में ये हो गए, ठीक। अब ग्रोथ को अगर हम लोग डिफाइन करें, अब इनमें क्या होगा, ग्रोथ का मतलब क्या होगा, परमानेंट इंक्रीज इन नंबर, जैसे नंबर हो गया, वेट हो गया, साइज हो गया, इन सब में क्या हो जाएगा, परमानेंट इंक्रीज हो जाए, या वॉल्यूम हो गया एक्सेट्रा। अगर साइज बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ाया, जैसे हम लोग छोटे थे बचपन में, बचपन में तो छोटे रहे होंगे, बट अभी क्या उतने छोटे हो सकते हैं फिर से, नहीं हो सकते, इसका मतलब ये परमानेंट इंक्रीज करेगा। ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग आप समझ पा रहे हो, इरिवर्सिबल का मतलब ये हो गया कि जो चेंज हो गया वो हो गया, अब उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, जो हो गया सो हो गया, इसीलिए इसको कौन सा वर्ड यूज किया गया है, परमानेंट यूज किया गया है, इरिवर्सिबल है। और एक पॉइंट और याद रखना कि जो ग्रोथ होता है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब आप कहोगे कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रही है, आपके बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं आपके बॉडी में। जैसे ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, या जो भी रिएक्शन चल रही है वो सब क्या कहलाएंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी। बट मेटाबॉलिक प्रोसेस कितने टाइप से हो सकती हैं, टू टाइप्स हो सकती हैं। एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस, और दूसरा होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक एंड क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। जो एनाबॉलिक प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का क्या मीनिंग हो गया, इसमें सिंथेसाइज होगा, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये देखें, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये देखो इन सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल करके क्या बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है। इसका मतलब कि कोई चीज जब बनेगा तो वो कैसा प्रोसेस होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। अब इसका कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक का क्या मतलब हो गया, कैटाबॉलिक का मतलब हो गया कि ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। अगर ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है इसका मतलब कि ब्रेकडाउन की प्रोसेस है। यहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ये देखें, जैसे ये प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये प्रोसेस एनाबोलिक की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस, अब देखो इसी रिएक्शन को हम लोग अगर अपोजिट करके देखें, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर दिया जाए किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के, जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करोगे ऑक्सीजन में, ये क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएंगे, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ग्रोथ से क्या रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है ना, मैं बता रहा हूं। तो देखो क्या है, जो ग्रोथ होगा के लिए तीन कंडीशन हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस इज मोर देन कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो समझो कि ग्रोथ होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि कैटाबॉलिक प्रोसेस इज मोर देन एनाबॉलिक प्रोसेस, अब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ज्यादा है
अगर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ज़्यादा होगा कंस्ट्रक्टिव से तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगा, या इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्रोथ। डी ग्रोथ यहाँ पर होगा, या इसी को बोलते हैं निगेटिव ग्रोथ, डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ बोलेंगे। बट एक कंडीशन ऐसे भी तो हो सकती है, एक कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये कैटाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस के बराबर हो जाए तो यहां पर ग्रोथ होगा नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा ग्रोथ, यहां तो बराबर है ना, यहां तो बराबर है, ग्रोथ होना चाहिए। अब देखो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी बनी वो कंज्यूम हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा ग्रोथ नहीं होगा। अब अगला पॉइंट आप देखिए कि ग्रोथ जो होता है ये एक टाइप का कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ग्रोथ एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। मतलब एंडोथर्मिक का मतलब कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यहां पर एनर्जी यूज होगी, बिना यूज हुए ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस का मतलब क्या होगा भाई, यहां पर एनर्जी का कंजप्शन होगा, इसीलिए तो यहां पर ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ की पूरी बातें हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब ग्रोथ में अगर हम लोग प्लांट ग्रोथ की बात करें, क्योंकि प्लांट ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो यहां से हम लोग देखेंगे प्लांट की ग्रोथ। मोस्टली क्या बोला जा सकता है कि जो प्लांट ग्रोथ होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं। प्लांट ग्रोथ क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। दूसरी कंडीशन, ये ओपन एंडेड होते हैं। भाई ये तो समझ में नहीं आया, ओपन एंडेड का क्या मीनिंग है। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि ये ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा। ओपन एंडेड का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ मीन्स कि इनमें ग्रोथ किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें उस पर ऐड होती रहेंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। फिर से समझ लीजिए, ओपन एंडेड का मतलब कि ग्रोथ कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो प्लांट में जो ग्रोथ होगा वो कंटिन्यूअस होता रहता है, बट क्या ह्यूमन में भी ऐसा होता है क्या, ह्यूमन में एक समय के बाद क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। देखो ये अनलिमिटेड है, ओपन एंडेड है, एंड क्या होगा, ये लोकलाइज्ड होगा। ये वर्ड बताइए लोकलाइज्ड का क्या मतलब हुआ, प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो ओपन एंडेड होगा, लोकलाइज्ड होगा। लोकलाइज्ड का मतलब बेटा, लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पार्ट पर ही होगा, हर जगह ग्रोथ नहीं होगी, उनके सेल फिक्स्ड होंगे। फॉर एग्जांपल रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहां पर क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या भाई रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या हर जगह पाया जाएगा क्या, रूट के टिप पर ही प्रेजेंट होगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहां पर प्रेजेंट होगा, शूट के टिप पर होगा। तो इसलिए इसको कौन सा ग्रोथ बोलते हैं, लोकलाइज्ड होगा। अब ग्रोथ में या डेवलपमेंट में एक वर्ड और देखते हैं हम लोग, एक वर्ड बेटा और आता है प्लांट के केस में डेवलपमेंट, ये क्या हो गया,
डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट में दो वर्ड आते हैं, एक होता है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिलकर के क्या बनाएंगे या कौन सी प्रोसेस कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। अब ये ग्रोथ तो समझ में आ गया, बट डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है यहां पर, तो आप समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग पर्टिकुलर किसी एरिया में जाएं, वहां पर सबसे पहले कोई एक पर्सन ही पहुंचा, अब दूसरा पर्सन भी वहां गया, तीसरा पर्सन भी गया, तो अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वहां ग्रोथ होता जाएगा। अब जब ग्रोथ होता गया तो इसके बाद क्या हुआ कि भाई जब देखा कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं, तो अब इनमें क्या होना है, उनमें अब जैसे कोई घर है तो उस घर को हम लोगों ने किसके लिए बना दिया, मंदिर बना दिया, किसी को क्या बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, किसी को कॉलेज बना दिया, स्कूल बना दिया। अब यहाँ पर क्या होने लगे, धीरे धीरे डिफरेंशिएशन होने लगा। किस चीज़ का डिफरेंशिएशन, ये हाउस इसके लिए, ये हाउस इसके लिए, तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। और यही दोनों मिलकर के क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। तो जो डेवलपमेंट होगा वो कौन होगा, ग्रोथ होगा एंड क्या होगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आ चुका होगा, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या होना, बढ़ना। बट अब जो डिफरेंशिएशन है इसका मतलब करेक्ट कैटेगराइज कर जाना, उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और ये दोनों वर्ड कहलाएगा डेवलपमेंट, राइट। अब इसके बाद आता है इसमें प्लांट में फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ। अगर प्लांट में, प्लांट का मतलब फर्स्ट स्टेप पूछा जाए, प्लांट में कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा, तो ये शुरू ही करते हैं हम कहां से, सीड जर्मिनेशन से। सीड जर्मिनेशन इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लांट ग्रोथ, ऐसा एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। दूसरा अराइज होगा आखिर सीड क्या है, सीड्स क्या है भाई, इंटेगमेंटेड एम्ब्रियो, या हम लोग बोल सकते हैं कि इसे इंटेगमेंटेड एम्ब्रियो। इंटेगमेंटेड एम्ब्रियो का मींस क्या हुआ कि जिस पर कोट लगी हुई हो, ऐसा एम्ब्रियो जिस पर क्या लगा है, कोट लगा है, उस पर कवर लगा है, उसे कहेंगे सीड। तो सीड में क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो पाया जाएगा। तो अब यहां पर दो स्टेप अराइज हो गए, एक स्टेप हो गया सीड का जर्मिनेशन और दूसरा स्टेप हो गया सीड डार्वेंसी। सीड का जर्मिनेशन एंड सीड डार्वेंसी। अब जर्मिनेशन होना है तो क्या करना चाहिए, प्लांट पहले क्या करेगा, अगर जर्मिनेशन हो रहा है तो प्लांट क्या करेगा भाई, सबसे पहले अगर हम लोग जर्मिनेशन की बात करें, अभी इस स्टेप को थोड़ा सा समझा दें, सीड जर्मिनेशन को, फिर डार्वेंसी पर लौटते हैं। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में पहला स्टेप क्या होना चाहिए, यहां पर आपने देखा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भाई सबसे पहला क्या काम करेगा, वो पानी पिएगा, सीड पानी पिएगा, सो करके जगेगा। मतलब अब उसमें आपने चना देखा होगा, जब आप उसको रात में पानी के अंदर डालते हैं तो सुबह देखते हैं कि उसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसका मतलब यहां पर वो हुआ क्या होना, पहले स्टेप में हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसके थ्रू होगा, माइक्रोपाइल्स के थ्रू होगा। सीड पर एक ओपनिंग होती है, पोर्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल्स बोलते हैं या माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होगा, वाटर की एंट्री होगी, वाटर की एंट्री होगी तो स्वेलिंग हो जाएगी। अब स्वेलिंग होगी तो जो देखो आप कॉटिलेडन के अंदर या एम्ब्रियो में, यहां पर क्या होगा, स्टोर्ड फूड होगा। अगर स्टोर्ड फूड होगा
तो फूड अब वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइज होगा क्योंकि वाटर उसको मिल गया, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ द फूड होगा। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड क्यों होगा, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। तो सबसे पहला तीसरा इसमें स्टेप होगा एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे ऐसे एंजाइम हैं जो वाटर के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें, वाटर के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होंगे। अब ये एक्टिवेट हुआ तो एक्टिवेशन ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हुआ या हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को हम लोग बोल सकते हैं ये हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस में स्टार्च भी हो सकता है। अब देखिए सॉरी, हाइड्रोलाइसिस में स्टार्च को ब्रेक करने वाला एंजाइम होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। तो यहां पर एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बाद क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। यहां पर ब्रेक डाउन ऑफ या डाइजेशन बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। अब देखो ये प्रोसेस तो हो गई कि ब्रेक डाउन हो गया, ठीक, ब्रेक डाउन हुआ तो मान लो बेटा कि आपने देखा कि कोई सीड है तो सीड में क्या होगा, स्टार्च है, तो ये अपना जब भी टूटेगा वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा। सिंपल फॉर्म लाइक द क्या, जैसे हम लोगों ने मान लिया ग्लूकोज बन गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लूकोज क्या कहाँ जाएगा, यहाँ से रिस्पिरेशन के लिए जाएगा। अब रिस्पिरेशन के लिए जाएगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कौन करेगा, सीड करेगा, जिसके कारण सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और यही एनर्जी हेल्प्स इन, बोलो भाई किसमें हेल्प करेगा, ये हेल्प्स इन अ सीड जर्मिनेशन। हेल्प्स इन अ सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन के लिए एनर्जी कहां से आई, ये तो क्लियर हो गया। सीड जर्मिनेशन के लिए एनर्जी कहां से आ रही है, ये जो फूड का कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन है। तो ये अब इसके लिए देखिए, अगर हम लोग ये देखें कि सीड जर्मिनेशन के लिए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो फैक्टर टेम्परेचर हो सकता है, फैक्टर क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, ऑक्सीजन होगा, बट मोस्ट ऑफ द केस में लाइट नहीं होगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग द सीड जर्मिनेशन, फिर से सुन लीजिए, टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में लाइट नहीं होगा। अगर जिसमें भी लाइट होगा वो फोटोब्लास्टिक सीड कहलाएंगे, जिसमें लाइट, जिस सीड के जर्मिनेशन के लिए लाइट की जरूरत है वो सीड कहलाएगा फोटोब्लास्टिक सीड, राइट। तो ये पूरा हमने कंसेप्ट आपको समझाया सीड जर्मिनेशन का। सीड जर्मिनेशन के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा सीड डारमेंसी। आइए सीड डारमेंसी को समझते हैं। सीड डारमेंसी का मतलब क्या होगा, दो वर्ड आते हैं यहां पर, एक टर्म आता है सीड डारमेंसी और एक आता है सीड क्वेश्चंस या क्वेश्चन स्टेज या डारमेंसी स्टेज क्या होगी। क्वेश्चंस एंड डारमेंसी को कौन एक्सप्लेन करेगा, जो क्वेश्चंस हैं या डारमेंसी है, क्या दोनों एक ही वर्ड हैं या दोनों अलग अलग हैं। अगर एक ही वर्ड है तो कैसे है, या दोनों अलग अलग हैं तो कैसे हैं, अगर अलग अलग हैं तो कैसे हैं, तो आप एकदम याद रखना कि दोनों अलग अलग वर्ड हैं। क्वेश्चन का मतलब हुआ
जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ, फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सीड हमने जून में सॉइल के अंदर जून में डाल दिया। अब क्या हुआ कि जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे ही टाइम बीतता गया, जैसे ही इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आया, जैसे ही इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आया, वैसे ही ये क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। मान लीजिए इस प्लांट की ग्रोथ के लिए, इस प्लांट के सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, विंटर चाहिए। विंटर का मतलब क्या चाहिए, जनवरी चाहिए। जनवरी में क्या हो जाएगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे सीड का क्वेश्चंस पीरियड। बट डार्मेंसी भी तो ऐसा ही होता है, डार्मेंसी भी ऐसा ही होता है। तो अगर हम फेवरेबल कंडीशन दें तो भी कभी कभी क्या ना हो, जर्मिनेट ना करें। जैसे मान लीजिए कि आपने भी पढ़ा होगा, हम लोग जानते हैं अच्छे ढंग से कि कई सर कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो हजारों साल तक जिंदा होते हैं या हजारों साल तक वाइबल कंडीशन में रहते हैं, इनएक्टिव पीरियड में पड़े रहते हैं, डॉर्मेंट पीरियड में पड़े रहते हैं। क्या उनको हजारों साल में, क्या उनको 100 साल में उनमें फेवरेबल कंडीशन आया ही नहीं, ऐसा कैसे संभव है? क्या पॉसिबल है ये कि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आया ही नहीं? फेवरेबल कंडीशन आया जरूर होगा, बट वो जर्मिनेट नहीं किया। तो इसका क्या मेन रीजन है? तो हम लोग सीड डार्मेंसी का रीजन जानना चाहते हैं। सीड डार्मेंसी का रीजन क्या हो सकता है या इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, सीड डार्मेंसी का फर्स्ट रीजन होगा, सीड डार्मेंसी का पहला रीजन होगा हार्ड सीड कोट प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर हार्ड सीड कोट है तो भी, अगर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि इम्परमिएबल सीड कोट, सीड कोट क्या हो गई, इम्परमिएबल सीड कोट है। इम्परमिएबल का मतलब किसके लिए, वाटर एंड गैसेस के लिए। अगर वाटर एंड गैसेस के लिए इम्परमिएबल है तो भी क्या होगा, डार्मेंट कंडीशन में चला जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसके लिए, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है यहां पर, कि इमेच्योर एम्ब्रियो, इमेच्योर एम्ब्रियो का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ क्या, इमेच्योर एम्ब्रियो। इसका मीनिंग समझिए आप, प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो कहने का क्या सेंस है, कि एम्ब्रियो फुल्ली मेच्योर हुआ ही नहीं कि वो जर्मिनेट कर सके, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इमेच्योर एम्ब्रियो हो सकता है। तीसरी कंडीशन, इसके लिए फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, सीड डार्मेंसी की फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है? यहां पर ग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स, इसमें क्या पाया जाना, ग्रोथ इनहिबिटर्स का पाया जाना। अब ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन हो सकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर क्या हो सकते हैं? जैसे एक तो एक दो नेचुरल होते हैं, एक नेचुरल होता है कौन सा, ABA, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। दूसरा केमिकल है जिसको हम लोग कहेंगे फिनॉल। तीसरा हो सकता है पैरा एस्कार्बिक एसिड, पैरा एस्कार्बिक एसिड। अगर ये सब चीजें पाई जाएंगी तो ग्रोथ नहीं हो सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए ये चारों ऑप्शन दिए गए हो, ये चारों ऑप्शन यही दिए गए हो और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा सीड डार्मेंसी के लिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर होगा, तो आप बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। अगर आंसर आया क्या आपका, इमेच्योर एम्ब्रियो, तो आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, बट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा,
इमेच्योर एम्ब्रियो। भाई ये कंडीशन तो ब्रेक की जा सकती है, बट इमेच्योर को मेच्योर में कन्वर्ट होना होगा, तभी जा करके वो क्या करेगा, सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल है। आखिर अब सीड डारमेंसी को हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं, या सीड डारमेंसी को कैसे ब्रेक किया जा सकता है? सीड डारमेंसी के ब्रेक करने वाले फैक्टर या रीजन, तो यहां पर पहला पॉइंट हो सकता है कि जब हम सीड डारमेंसी को ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड्स। भाई ये क्या होना है, स्कैरिफिकेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि सीड कोट को सॉफ्ट कर दिया जाए, सॉफ्टनिंग ऑफ द सीड कोट। देखो कैसे, सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट कैसे भाई सॉफ्टनिंग करेंगे? सॉफ्टनिंग कैसे करेंगे कि अब मान लीजिए कि जैसे हार्ड सीड को क्या किया कि उसको चाकू से क्या कर दिया, छील छील दिया, या सैंड पेपर से उसको घिस दिया। अब ये काम नेचर भी करता है, आप सैंड पेपर से घिसते हो, नेचर खुद सैंड से घिसता है, तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट हो गया तो ये किसके लिए परमेबल हो गया, गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए परमेबल हो गया, जिसके कारण सीड जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, इतने के बावजूद भी ना माने तो स्ट्रेटिफिकेशन कर देते हैं। यहां पर क्या कर देंगे, स्ट्रेटिफिकेशन। अगर स्ट्रेटिफिकेशन करना है तो क्या करेंगे भाई, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, यहां पर बेसिकली जो लिया जाएगा वो टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन होगा। टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने क्या रखा, वार्म रखा और फिर ये कोल्ड कर दिया, तो वार्म टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर दिया, फिर इसे कोल्ड दिया, ट्रीट चिल कर दिया। भाई 15 से 20 डिग्री सेल्सियस दिया टेम्परेचर, मान लो ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर दे दिया पहले, और उसको कुछ देर के बाद ही उसको हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया। कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया, जीरो डिग्री सेल्सियस से हम लोग कह सकते हैं ये 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो वार्म एंड कोल्ड ये दोनों क्या किया, अल्टरनेट करते गए, यही टर्म क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके कारण इसकी सीड कोट क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और आसानी से क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ये दोनों प्रोसेस कौन से प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस हैं मैकेनिकल एब्रेशन। मैकेनिकल एब्रेशन का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकली किया जा रहा है ये। बेटा देखो आप, ये नेचुरली हो सकता है बट यहां पर ये मैकेनिकल है। तीसरी कंडीशन है, यहां पर देखो ग्रोथ इनहिबिटर्स पाए जा रहे हैं। इस ग्रोथ इनहिबिटर्स को हम लोग क्या करें, तो इस ग्रोथ इनहिबिटर को वॉश आउट कर दें। क्या मतलब भाई, सीड को धोते जाएं जब तक उसका क्या ना गायब हो जाए, एब्सिसिक एसिड ना निकल जाए, या उसमें जो इनहिबिटर्स हैं वो ना निकल जाए। तो यहां पर तीसरी कंडीशन है रिमूवल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स को रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करेंगे, वॉश करके, धीरे धीरे उसको रिमूव करेंगे, बार बार वॉश करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन हमारे पास आती है कि ग्रोथ इनहिबिटर, देखो यहां पर क्या आपने रिमूव किया ग्रोथ इनहिबिटर को, बट अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि हम इसको केमिकल ट्रीटमेंट करें। यहां पर केमिकल या हार्मोनल ट्रीटमेंट, केमिकल या हार्मोनल ट्रीटमेंट करें। हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या होता है भाई,
जैसे हम जानते हैं कि सीड डारमेंसी को कौन ब्रेक करता है, सीड डारमेंसी को कौन ब्रेक कर सकता है, तो सीड डारमेंसी को ब्रेक कर सकता है पोटेशियम नाइट्रेट, इससे ट्रीट करा दें। या हम लोग यहां पर जिब्रेलिक एसिड का यूज करें, नाइट्रेट डाल दिया या जिब्रेलिक एसिड डाल दिया, अब ये क्या हो जाएगा, सीड डारमेंसी को ब्रेक करके सिंपली सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर देगा। तो क्या फैक्टर थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्टेडिफिकेशन किसका दिया जा सकता है, लाइट का भी दिया जा सकता है, ऑक्सीजन का भी दिया जा सकता है। तो ये सारे प्रोसेस किससे रिलेटेड है, सीड डारमेंसी से। और सीड डारमेंसी के बाद अगर हम लोगों ने देखा था सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन के टाइप्स को एक्सप्लेन कर दें। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। यहां से टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, चलो भाई अगर हमें सीड जर्मिनेशन को देखना है तो तीन टाइप के सीड जर्मिनेशन होते हैं हमारा। एक होता है हाइपोजियल, एक होता है हाइपोजियल, और दूसरा केस होता है यहां पर एपीजियल। यहां पर सेकंड केस होगा एपीजियल, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं स्पेशल टाइप का। स्पेशल टाइप का मतलब होता है कि वो अलग है ही एक टाइप। इनमें क्या है, अगर हाइपोजियल की बात करें तो देखो आप, ये सॉयल हो गया, यहां पर एक सीड रखा, सॉयल के अंदर सीड रखा, यहां से रेडिकल निकला, यहां से क्या निकला, रेडिकल। तो सीड को थोड़ा सा पहले, इससे पहले हम लोग समझ लें, देखो भाई सीड के पास क्या है, कॉटिलेडंस है, इसके बाद इस पर ये सीड कोट है। तो देखिए ये कॉटिलेडन हो गया, ये हिस्सा यहां पर ये प्लूम्यूल होगा, ये हिस्सा रेडिकल होगा, ठीक। इससे इसके बीच में जो हिस्सा होगा इसको हम लोग बोल रहे हैं एपी कॉटिल या एपी कोटाइल बोलते हैं। इसके इसके बीच का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल या हाइपोकॉटिल बोलते हैं। ये पॉइंट हम सबको समझ में आना चाहिए। ये सीड, सीड ने क्या किया, सीड जर्मिनेट किया। जब सीड जर्मिनेट हुआ तो इनमें क्या हुआ होगा, देखो ये था कॉटिलेडन, इनमें इसमें किसका इलांगेशन हुआ, देखो ये प्लूम्यूल, ये सॉयल के अंदर है, ये था प्लूम्यूल, ये क्या था एपिकॉटल था। तो एपिकॉटल का क्या हो गया, यहां पर ये कॉटिलेडन नीचे ही है ना, ये कॉटिलेडन का हिस्सा है, ये कहां पर है, ये नीचे की ओर है। तो किसका इलांगेशन हुआ, एपिकॉटल का, इसका क्या हुआ, इलांगेशन हुआ। तो बाहर कौन आया, क्या ये बाहर गया सॉयल से, कॉटिलेडन बाहर गया सॉयल के, नहीं गया, नहीं गया, तभी तो उसको क्या बोलते हो, हाइपोजियल। कौन सी कंडीशन बोलोगे, हाइपोजियल। ये जो हाइपोजियल है ये मोस्ट ऑफ द केस में होगा डाइकॉट में। अब मुझे बता बेटा, अगर ये इसमें पूछा जाए कि हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडन कहां पर होगा, तो आप क्या बताओगे,
कॉटिलेडन शैल के अंदर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हो आप, हाइपोजियल, जियल का मतलब ग्रेविटी, राइट। अब दूसरे केस को देखो, दूसरा भी केस एकदम जस्ट ऐसे ही है, एपीजियल में ये मैंने लिया शैल, शैल पर यहां पर रखा सीड, सीड के अंदर क्या हुआ, ये जर्मिनेट किया, जिसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल। इनमें क्या हुआ, इनमें देखो ध्यान से, इनमें किसका इलांगेशन हो गया, ये हिस्सा है हाइपोकोडाइल का या हाइपोकोडाइल का, तो इसमें इलांगेशन किसका हुआ, इलांगेशन हुआ इसका, इसका मतलब किसका इलांगेशन हो गया, हमारा रेडिकल या एपी, सॉरी हाइपोकोडाइल का। यहां पर देखो किसका इलांगेशन हो रहा था, एपिकोडाइल का, यहां पर इलांगेशन किसका हुआ, हाइपोकोडाइल का, और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट किसका है भाई, ये पार्ट है कॉटिलेडन का, तो कॉटिलेडन कहां पर चला आया, कॉटिलेडन शैल से ऊपर आ गया। आपने टैमरिन देखा होगा, इमली, उसके केस में ये कभी भी आप देखिएगा, अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया मतलब फोटोसिंथेटिक हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया इट मींस सॉइल से ये ऊपर आ चुका है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैस्टर, सॉरी इसी सॉरी इसको बोलते हैं एपीजियल। एग्जाम्पल हो जाएगा कैस्टर और टैमरिंड, एग्जाम्पल हो जाएगा कैस्टर एंड टैमरिंड, राइट। थर्ड केस, थर्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, स्पेशल टाइप ऑफ द जो जर्मिनेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं वीवी पेरस। ये कौन सा कमाल हो गया, वीवी पेरस। जनरली ये वर्ड आप कहाँ यूज करते हो, ये वर्ड आप कहाँ यूज करते हो, एनिमल्स में, वो भी मैमल्स के केस में। वीवी पेरस का मतलब जो फीमेल चाइल्ड बर्थ करे उसे आप वीवी पेरस बोलते हो। अब यहां पर किसके बारे में पढ़ रहे हो, प्लांट के बारे में, है क्या कोई ऐसा प्लांट, ऐसा कोई प्लांट है जो चाइल्ड बर्थ करता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है या ऐसा होता नहीं है, बट टर्म एंड टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट एपीजीएल का जो एग्जाम्पल था आपको पता होना चाहिए, कैस्टर हो जाएगा और टैमरिंड हो जाएगा, इधर पी प्लांट वगैरह हो जाएंगे। बताइए स्पेशल टाइम में जैसे एक प्लांट हुआ और ये एरिया यहां पर पाया जाएगा, ये कोई प्लांट है, यहां पर ये जो सॉइल है ये कैसा सॉइल है, मार्शी एरिया है, मार्शी एरिया समझ रहे हैं ना, दलदली या दलदल एरिया है, मार्शी एरिया है, ठीक, ऑक्सीजन डिफिशियंट होगा, ऑक्सीजन थोड़े बहुत कम होंगे। यहां पर अगर कोई प्लांट ग्रो करता है तो उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट। जो यहां पर प्लांट ग्रो करेगा वो मैंग्रोव प्लांट होगा। अगर ये मैंग्रोव प्लांट होगा, अगर ये प्लांट मैंग्रोव प्लांट है, इसका मतलब कि जो एरिया है ये या ये जो सॉइल है ये हेलोफिटिक है। हेलोफिटिक का मतलब साल्टी एरिया है। साल्टी एरिया का मतलब क्या हुआ कि साल्ट्स यहां पर क्या पाए जाएंगे, साल्ट बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। भाई कंडीशन क्या होगी, चलो मान लेते हैं कि इस पर क्या लग गया, इस पर कोई फ्रूट लग गया। अब फ्रूट लग गया तो फ्रूट गिर करके कहां पर आएगा, यहां आएगा। अब यहां पर क्या होगा, फ्रूट्स का क्या हो जाएगा, एक ऑस्मोसिस हो जाएगा। भाई वाटर, पानी यहां कम है, इसके कंपैरिजन में पानी यहां ज्यादा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। अगर एक्स ऑस्मोसिस हुआ तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। जब ये प्लाज्मोलाइज्ड होगा इसकी डेथ होगी, तो इससे बचने के लिए वो क्या करेगा,
इससे बचने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है इससे बचने का कि यहां पर जो फ्रूट्स के अंदर सीड है, ये सीड हो गया, ये क्या हो गया, फ्रूट्स हो गए या फ्रूट हो गया, ये सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट। अगर सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाएगा तो इसको बोलते हैं विवीपेरस। विवीपेरस का मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए आप, विवीपेरस का मतलब हो गया कि सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट। तो ये हुआ सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट। तो अगर फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट किया तो ये कंडीशन कहलाएगा विवीपेरस। और इसका एक ही करैक्टरिस्टिक एग्जांपल है, एग्जांपल है राइजो फोरा। कौन सा एग्जांपल होगा? राइजोफोरा। तो राइजोफोरा का मतलब ये हो गया कि ये प्लांट मार्सी प्लांट है, मैंग्रोव प्लांट है, और यही कहलाएगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ द सीड जर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो यहां से आज हम लोगों ने अभी क्या देखा कि प्लांट के ग्रोथ की एक इंट्रोडक्टरी क्लास देखा। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग अब इसके प्लांट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, जैसे डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, मेजरेबल है कि नहीं है, या कौन से स्टेप्स होंगे, ये सब स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट डे में हम लोग प्लांट ग्रोथ को देखते हैं। थैंक यू।